हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाए की रेसिपी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मैंने यहाँ पर बीफ पाया लिया है, इसे मैंने एक घंटा हाई टू लो फ्लेम पर देखिए बॉयल कर लिया है। प्याज, नमक और पानी डाल के देखिए बिल्कुल ये गल चुका है। अब हमें इसकी ग्रेवी रेडी करनी है। पाया बिल्कुल ये देखिए रेडी है गल के। इसकी ग्रेवी मैं अलग से रेडी करूँगी, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। थ्री टेबल स्पून देखिए मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल हम यहाँ पे कम यूज़ करेंगे क्योंकि पाए में भी फैट है, इसलिए ऑयल मैंने कम यूज़ किया है। दो टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और दो तेज़पत्ता लिया है। एक मिनट के लिए हमें इसे ऑयल में पका लेना है ताकि जो इसका फ्लेवर है, जो इसकी खुशबू है, अच्छे तरीके से मसालों में आ जाए। यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्ची, अदरक का पेस्ट लिया है 3-3 टेबल स्पून। सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर लूँगी, उसके बाद हमें इसे भूनना है। अब हमें इसमें डालना है प्याज, दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे बारीक पीस लिया है। ड्राई मसालों में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी लिया है। नमक का यूज़ मैंने यहाँ पे कम किया है क्योंकि जब मैं पाए को बॉयल कर रही थी उसमें भी मैंने नमक डाला था। अगर नमक कम हुआ तो हम अभी ऐड कर लेंगे, लेकिन मैंने अभी नमक कम ही लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिए। अब हमें सारे मसालों को अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो सारा कच्चापन है निकल जाए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। पाँच से सात मिनट हमें इसे भून लेना है ताकि जो मसालों का पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए मसालों से। साथ ही मैंने इसमें कोथमीर और पुदीना डाल दिया है कट करके ताकि मसालों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। दो से तीन मिनट हमें इसे और भूनना है। प्याज मैंने यहाँ पे कम लिया है क्योंकि जब मैं पाया बॉईल कर रही थी उसमें भी दो से तीन मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और पीस के भी मैंने दो प्याज ली है। टोटल मैंने यहाँ पर 6 प्याज ली है मीडियम साइज़ की। देखिए मसालों का सारा पानी ड्राई हो रहा है और जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका ऑयल भी सारा सेपरेट हो रहा है। अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल ये परफेक्ट मसाला रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें पाए को ऐड करना है। देखिए सारे पीसेस मैं पहले ऐड कर रही हूँ, उसके बाद जो इसकी ग्रेवी, जो इसका सूप है वो मैं ऐड करूँगी। पाए को मैंने एक घंटा हाई टू लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से गला लिया है, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। मैंने उसमें सिर्फ प्याज और नमक डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया था। सिंपल मैंने इसी तरीके से इसे हाई टू लो फ्लेम पर बॉयल करके इसे गला लिया है। जो इसकी ग्रेवी है उसकी रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। देखिए कितने अच्छे तरीके से पाए का सारा गोश्त गल चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट मसालों के साथ पका लेना है ताकि अच्छे से ग्रेवी रेडी हो जाए। देखिए पतली ग्रेवी है, आप इसे सूप भी बोल सकते हैं, पाया सूप। 15 मिनट हमें इसे पकाना है हाई टू लो फ्लेम पे।
देखिए पाए का सूप अच्छे से बॉईल हो रहा है। टोटल मैंने यहाँ पे हाई टू लो फ्लेम पे 15 मिनट इसे पका लिया है। 5 से 7 मिनट इसे और पकाना है ताकि जो इसके ऊपर वाइट वाइट फेस है वो सारा हट जाए, ये अच्छे तरीके से ग्रेवी रेडी हो जाए। अगर आपको इतना पतला नहीं रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा जो पाए का सूप है वो निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा पतला रखा है। देखिए इस तरीके की मैंने इसकी ग्रेवी रखी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं पसंद है पाए की सूप, थोड़ा मैंने यहाँ पे पतला रखा है। अगर आपको नहीं पसंद है इतना पतला तो आप इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये पतला बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमें इसमें डालना है कोथमीर पुदीना। मैंने पहले भी कोथमीर पुदीना ऐड किया था मसालों के साथ ताकि मसालों में अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब पाया बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसमें वापस से ऐड कर रही हूँ कोथमीर पुदीना। देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये रेडी हुआ है। अभी ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस तरीके का मैंने इसे पतला सा सूप बना लिया है। आप इसे प्लेन राइस, रोटी, नान किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये पाया रेडी होता है। आज मैंने बनाया है प्लेन राइस और इसके साथ मैं रोटी के साथ इसे सर्व करूँगी। देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट पाया की रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।